370 35 ए हमारा हुकूम से तरफ नहीं, यहां तो मैं एक आवाज एक बात बताऊंगा तो दिल्ली में एक कुलगाम की साइड में एक ने सुसाइड किया, मुझे रोना आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा मकसद यही है जो मैं आज तक बोलते आया हूं, जो मैं मीडिया के सामने बोलता हूं। एक मसला है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, किन की वजह के उनके पास रोज़गार नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। कल भी एक उधर कुलगाम की साइड में एक ने सुसाइड किया, मुझे रोना आया। यहाँ के ज़्यादातर आज लोग सुसाइड कर रहे हैं कि इनका जहनी दबाव है, उनकी परेशानी, जिन बच्चे ने माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया ज़मीन बेचकर और मजदूरी करके उनको पढ़ाया, आज उनके पास रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो तो मजबूर करने का। मैं उन बच्चों से यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि उससे बाज आ जाओ, सोसाइट से बाज आ जाओ, ड्रग से बाज आ जाओ, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, बिजनेस की तरफ ध्यान दे दो। इंशाल्लाह जब तक आपकी ज़रूरत पड़ेगा, बब्बर शेर की ज़रूरत पड़ेगा, बब्बर शेर आपका 24 घंटे तैयार हो, 24 खून देने के लिए तैयार होगा। SPO के साथ भी नाइंसाफी है, J&K पुलिस जो उनको 70,000 रुपया रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए कि उनके साथ नाइंसाफी, उनको 70 रुपया रिस्क अलाउंस मिलता है, उनको मेरे खाते वो जो 24 घंटे CRP वालों से ज़्यादा ड्यूटी दे रहे हैं उनको 70 रुपया रिस्क अलाउंस मिलता है, उनको 17,000 मिलना चाहिए। और जो जिन्होंने और यहाँ के जो किसान लोन है, किसानों ने लोन निकाला है, आज 2 साल हो गया, यहाँ तो ना तो कारोबार है ना तजारत है, सब ट्रांसपोर्ट वाले भी परेशान हैं, सब तबके के लोग परेशान हैं, जिन्होंने बिजनेस लोन किया उनको माफ़ करना चाहिए। इसीलिए जा रहा हूँ कि जो मैंने 5-6 मुद्दे रखे हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से और जो अपनी सोनिया जी और राहुल गांधी से, मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं तो मेमोरेंडम मैंने बनाया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जब तक मैं कश्मीर धरती पर जिंदा हूँ तब तक बब्बर शेर आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ कभी जम्मू कश्मीर की आवाज़ कभी दबाने नहीं देंगे। मैं जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ शाना साथ खड़ा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मोदी जी से और अमित शाह जी से और गुलाम नबी आज़ाद साहब से और सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। और जो जम्मू कश्मीर का आर्मर पुलिस है 1990 में, उनको अभी तक प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्या वजह है? आज मनोज सिन्हा साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मनोज सिन्हा साहब से, जो आर्मर पुलिस का मसला है वो पूरी तौर हल किया जाए। तीसरा चौथा पॉइंट मेरा यही है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, मेरे लिए दुआ करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूँगा, करते रहूँगा। मैं भी अल्लाह ताला से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दुआ मांगूँगा, इंशाल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अल्लाह ताला सेहत सलामत रखे, इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से पहले फरियाद करता हूँ। क्यों नहीं करूँगा? अगर मौका मिल गया तो मैं करूँगा। मैं उन नेताओं से तरफ नहीं, यहाँ तो मैं एक आवाज़ एक बात बताऊँगा तो दिल्ली में एक दूसरा बात बताऊँगा, मैं तो चाहे मुंबई में भी बोलना पड़ेगा, किसी जगह में भी बोलना पड़ेगा। 370-35 ए हमारा हुकूक और हमारा स्टेटस वो वापस मिलना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आवाज़ उठाते रहूँगा, ये आवाज़ कभी दबाने नहीं दूँगा। आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है।